हाय गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। वेलकम टू द अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग आउटडोर है, लाइव पेंटिंग मैंने बताया। तो हम बहुत दोस्त जा रहे हैं, यहाँ पे है समुजीत, हेलो रिपन, हेलो गाइस, और भी दो दोस्त आ रहे हैं। हम सब मिल के जाएंगे एक जगह पे, जगह तो नाम क्या है इसका? पिकाडू नाम डर नाम तो हम जा रहे पिकाडू टेम्पल, पिकाडू बुद्ध टेम्पल है बेसिकली, तो वहाँ पे जाके देखते हैं। अभी तो फिलहाल मैं घर से बहुत दूर आ चुका हूँ, बारिश की वजह से, बारिश भी था तो जिसकी वजह से माइक नहीं ऑन नहीं कर पाया, मतलब ब्लॉग चालू नहीं किया घर से, अभी यहाँ पे चालू किया। तो आगे जाके साथ में रहो, वहाँ पे जाके बात करेंगे कैसा सिचुएशन है, कैसा हम लोग पेंटिंग करेंगे, तो बने रहो एंड तक। 2000 years later तो हमारे साथ जाने वाले थे दो दोस्त, अभी एक निकल के आया, मतलब एक ही जाएगा, दूसरा स्विच ऑफ करके बैठा है पता नहीं क्यों। तो अभी हम लोग इंतजार अभी हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, कम से कम एक घंटा मुझे यहाँ पे बैठ के हो गया, मतलब आ रहे पता नहीं। हाँ आ गया, आ गया, चलो। तो यहाँ पे हमारा सफ़र जो है वो स्टार्ट होता है, एक घंटा दूरी पर है हमारे डेस्टिनेशन, और हम चार दोस्त दो बाइक लेके निकल चुके हैं। वैसे तो हमारे साथ आने वाले थे छह दोस्त, लेकिन उनका कुछ प्राइवेट रीज़न की वजह से या फिर अपना रीज़न की वजह से वो लोग नहीं आ पाए। तो मौसम भी अच्छा था, हम चार लोग निकल गए, और ज़्यादा सनी डे भी नहीं था, ज़्यादा बारिश भी नहीं हो रहा था, ओवरऑल मिला के गुल मिला के वेदर हमारे साथ थे, अच्छे थे, राइडिंग हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। और वहाँ पे पहुँचने के लिए आप दो चीज़ें कर सकते हो, या फिर अपना प्राइवेट कार या प्राइवेट बाइक से जा सकते हो, या फिर आप अपना लोकल गाड़ी से जा सकते हो। लेकिन इन दिस केस मैं रेफर करूँगा लोकल गाड़ी से मत जाओ, प्राइवेट कार या बाइक से जाओ, क्योंकि वो जो डेस्टिनेशन है जहाँ पर हम लोग पहुँच रहे हैं वो हाईवे से थोड़ा अंदर है, लगभग 5 से 10 मिनट के डिस्टेंस है, वो पूरा रिजर्व एरिया है गवर्नमेंट ऑथराइज, तो सीनरी अच्छा है, लेकिन लोकल गाड़ी वहाँ पे नहीं पहुँचते। तो मेक श्योर कि आप बाइक या अपना बाइक या फिर कार लेके जाओ। हम लोग राइड बहुत एंजॉय कर रहे थे, पीछे मेरा दोस्त, कभी हम कैमरा उसकी तरफ, कभी वो लोग कैमरा हमारी तरफ करते हैं, तो बात भी कर रहे थे रनिंग पे। मेरे पीछे बैठा वो सूरत जो अभी कैमरा कर रहे हैं, मैंने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, लेकिन आगे जाके आप ज़रूर इंट्रोड्यूस हो पाओगे। सामने जो बाइक उसमें रिपन और सूरत बैठे हुए हैं, तो अभी थोड़ी देर में देख पाओगे, अभी वो लोग ब्लॉग करेंगे। ये देखो इनका जो ब्लॉग है वो स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे रिपन एंड पीछे समरजीत जो मेरा कैमरा लेके ब्लॉग किए थे, तो अभी वो लोग बोल रहे कि हम भी ब्लॉग करेंगे। तो एज यूजुअल यहाँ पे पीछे मैं और मेरा पीछे जो बाइक में बैठा हुआ है वो है सूरत, और मेरा बाइक जो स्पेंडर है माइलेज अच्छे देते हैं, पापा की फर्स्ट बाइक है, तो मुझे कुछ दिक्कत नहीं। यहाँ पे वो कुछ बोल रहे हैं, सुनो। एक्चुअली हवा की वजह से माइक थोड़ा कपने लगा था, और समर जी डर गया कि वो माइक ना गिर जाए, कैमरा ना गिर जाए। यहाँ पे हमारे दोस्त भी हमारे साथ आ गए हैं, कहाँ पे अब आगे जाके थोड़ा उनका भी ब्लॉगिंग सुनो। मेरे दोस्त ने ब्लॉगिंग किया फॉरेस्ट के अंदर, कौन सा फॉरेस्ट है हमको पता नहीं है, हम लोग पहचानते भी नहीं ये जगह, जा रहे हैं मैप देख के जा रहे हैं, सामने क्या मिलेगा पता नहीं। अरे लेक है लेक, ये देखो लेक, ये देखो, ये एक लेक मिला हमको रोड के अंदर, बहुत ही शानदार नज़ारा है दोस्तों, लग रहा है कि फॉरेस्ट में घुसे चले जा रहे हैं, पता नहीं कब का विश्रांत होगा। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। देखो ये हम आ गए अभी, जगह बहुत
अच्छी है और पीसफुल है, बहुत पीसफुल है। तो यहाँ पे एक घंटा टोटल राइडिंग करने के बाद हम लोग पहुँच गए अपना डेस्टिनेशन में, जो कि बुद्ध टेम्पल है, जो कि बाइकोरा नाम का जो प्लेस है वहाँ के अंदर है। तो आगे भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाले, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आगे क्या होने वाले। आप पूरा वीडियो देखो, एंजॉय करो। आप आई होप कि आप भी बहुत एक्साइटेड होंगे आगे क्या होने वाला। अभी तो जस्ट हम लोग पहुँचे, आगे बहुत काम बचा है, तो देखते रहो। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए अभी बुद्ध टेम्पल गाड़ो पेगाड़ो में पहुँच गए हम लोग। बार बार नाम भूल जाता हूँ। ये एरिया बहुत ही खूबसूरत है और अभी एक घंटे का जो जर्नी आप लोगों को बता ही चुका हूँ कि बहुत ही अच्छा था। एंड ये पीछे फुल टेम्पल है, अभी आप लोग देख पा रहे थे। इसके अंदर जाऊँगा अभी थोड़ी देर में, बट ये फुल टेम्पल है। लेकिन इससे पहले मैं बता देता हूँ, यहाँ पर जो साइड में जो एरिया है वो भी बहुत खूबसूरत है। और ये पूरा डिटेल है, फाउंडेशन मतलब कब कैसे बना था या किसने बनाया था, गवर्नमेंट कब ये हुआ था, पूरा डिटेल दिया हुआ है आपको। आई होप कि आप लोग पढ़ लिए होंगे। और यहाँ से जो व्यू है अल्टीमेट, पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी है जो गवर्नमेंट हमारा ज्वेल भाई कैमरा सेटअप कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं सेटअप के साथ बैठ गया हूँ, यहाँ पे मैं बैठा हूँ और मेरा आर्ट का जो मटेरियल है यहाँ पे, और यहाँ से जो व्यू है वो मैं ले रहा हूँ। तो अभी फ़िलहाल काम चालू करते हैं, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। चुका है बहुत गंदा बारिश, मैं किसी तरह यहाँ पे सारे सामान रख चुका हूँ। कैमरा मेरे इस ट्राइपॉड पे था, वैसे तो मैं बाहर बैठा था, अब अभी तक देख ही रहे थे, बीच में ये वाला बारिश आ गया। लेकिन बारिश में यहाँ से व्यू बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मेरा जो मैंने तो अभी यहाँ तक कंप्लीट किया, आप देख रहे हो पीछे कैमरा यहाँ पे था, और मुझे लगा कि यहाँ पे जो स्टैचू है, यहाँ पे बाहर एक स्टैचू है, स्टैचू के अंदर मैं रह पाऊँगा, लेकिन यहाँ पे भी बारिश हो रहा है। ये देखो पूरा सामान बिक चुका है, मैं किसी तरह पेंटिंग को बचा रहा हूँ, बाकी और पता नहीं। भाई इतना गंदा बारिश हो रहा है बाहर, मतलब। और यहाँ से इस तरफ का व्यू देखो, मैं इसी तरह था, बहुत गंदा बारिश हो रहा है, सामने वाला व्यू से पेंटिंग बना। लेकिन बहुत, मुझे पता नहीं कितना टाइम लगेगा, कितना बारिश रुकना चाहिए, वरना ऐसे तो पूरा ये देखो पूरा सामान बिक चुका है। अब डर इस बात का, मेरा कैमरा जो है ना, कैमरा भी बिक चुका था, यहाँ पे था, मैंने नोटिस नहीं किया, मुझे लगा कि अंदर पानी नहीं आएगा, और मैं पेंटिंग में बिजी था, जिसकी वजह से ये देखो पानी ऐसा ऐसा आ रहा था। और पूरा माइक मेरा पूरा बिक गया, अभी बैग खोल नहीं सकता, किसी तरह बैग के अंदर मैंने कैमरा रख दिया, बट आएगा पता नहीं क्या होगा, मुझे डर लग रहा है अभी कैमरा
कुछ ना हो जाए, सारी चीज़ें बंद कर दिए, इसमें भी पानी घुस गया ये सब पता नहीं। और यहाँ पे मेरा जस्ट कंप्लीट ही हुआ था ये वाला पेंटिंग, देख लो बारिश, पता नहीं यार, मतलब वेदर अच्छा था, मैं भी पूरा भीग चुका हूँ, ऑलमोस्ट भीग ही गया हूँ, बट क्या करूँ पता नहीं।